बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम काश्कार ब्राउन। मेरा नाम अबरार हैदर है, तुसी देख रहे हो बन बिहार हैदर टीवी। काश्कार ब्राउन, अज की वीडियो मदान की पनीर बारे दसण तो पहले एक दोड़ा सुनाना चाहना। अल्लाह मुलक सोहनी अख दिती है, डिठी कर पर मेयर वफा दी, इस अख कितने दिल आबाद हैं, वो भी खैर हजूर निगाह दी, अखी तिरछियां वेख के मार गतेना है, यही मौत इबरार दे बादी, ते जिहड़ी पैरां हेठ लताड़ छुड़ेना है, वह भी यही मखलूक खुदा दी। वैसे तो मैं शेर दे विच तुहानूं सारा कुछ ही दस दिता है कि असी मुख्तलिफ नज़रिए नाल फसलों नूं वेखने आ। अगर असी इस नज़रिए नाल वेखिए कि तुसीं भी सिख जाओ, तुहाडा भी फायदा होवे ते बाकी दोस्तां दा भी फायदा होवे, क्योंकि एक चीज़ सीखण नाल अगर उसको फायदा असी उठा रहे हैं तो तुहाडा काम है दूसरे लोग भी फायदा उठा। अज भी इस पनीर के बारे में तुम दसना चाहना कि जी कबोटा मशीन के पनीर इस्तेमाल होती है वो लगावन का की तरीकाकार है और बेहतरीन फायदा की होता है, क्योंकि असा देखे कि कबोटा मशीन के जी पनीर इस्तेमाल होती है वो जर्मीनेशन बहुत ज़्यादा होती है। वजह खास की है, वो वजह यह कि ड्रिल कास्ट जी कबोटा मशीन के ट्रेयां इस्तेमाल होती हैं उन्होंने जनाब वाला भुरभुरी मिट्टी बरीक पाउडर वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जिमें कि तुम देख रहे हो कि साडे काश्तकार भरावां ने यह मिट्टी छाण के साफ करके बिल्कुल पाउडर वांगू रखे हुए हैं, बिल्कुल पाउडर वांगू, और यही मिट्टी असी ट्रेन च इस्तेमाल करें कि जिमें तुम आ पिछे देख रहे हो ट्रेन च यह मिट्टी इस्तेमाल होती है। बाकी ये जिहड़ी पनीरी काश्त होती है सेम उस तरह ही जमीन ते काश्त होती है, ट्रेन दे विच बरीक बरीक मिट्टी पा के और वह मिट्टी पावन तो बाद विच बीजा उस तरह शिफ्ट किया जाता है, बीजा उस तरह जिमें आम रूटीन लगवाया जाता है उन्हीं आ रही बीजा लगता है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती। बाद काश्तकार भरा मैं कमेंट कहते हैं भाई जाने के लिए बीजा सू मुख्तलिफ जगह तो मंगवा पी, बीजा मंगवाना नहीं पाता बल्कि इन्ह ट्रेन के इस्तेमाल होंगे और उ बीजा जोड़ा असं आम रूटीन इस्तेमाल करें उ बीजा इन ही लगया जाता। बाकी इस ट्रेन गुड़गुली मिट्टी बरीक मिट्टी पावन का मकसद ये होंगे कि यदि जड़ अच्छी तो अच्छी परवान चढ़े। सब तो बड़ा फायदा जिहड़ा मशीन दे विच इस ट्रे दे विच जो पे होया है एनर्जी का ठीक है, तो जो ट्रे दे विच पे होया है ये ट्रे दे विच जो पे होया है जो असी अगले खेत मुंतकिल करें साडे जिहड़े लेबर आउंदी है बाद जगह ते जो असी जमीन दे विच डायरेक्ट काश करदे आ से जो पट्टण दा टाइम आंदा है पट्टदे होए दी जड़ डैमेज आउंदी है, मगर जो असी आ ट्रे च पनीरी लवाने ये जिमें कि तुम आ पिछे सारी देख रहे हो ये ट्रेन च लगी हुई हुई है, जो असी ट्रे चू ये पनीरी बाहर कड़ते हैं तो यदि जड़ डैमेज नहीं होती, यदि जड़ बिल्कुल साबित सबूत रहती है और जी असी वैसे जमीन के काश करवाने वो जड़ फुटते हुए डैमेज हो जाती है और नुकसान का सबब बनती है, इस दे नाल जड़ साडी डैमेज नहीं होएगी और पनीरी मुंतकिल होंदिया सारी सिर च आ जाएगी। अगर असी वैसे फुट के लवाई आ तो साडी जिहड़ी पनीरी आई ना वो जो अगर शिफ्ट होती आई 10 दिन तो बिल्कुल सिर ही नहीं चाहती मुरझा जाती आई उन्हें पानी ला ला के फिर चाहिए यदि जड़ डैमेज नहीं आती और जल्दी जाके परवान चढ़ती है। और इसे तरीका अगर तुम फिर भी समझ ना आए तो मेरा कंटैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन उसी उस मेरे ना रबता कर लेना है, मजीद मालूम अगर ये कोई कमी पेशी रह जाती है बारे में मालूम देंगे। और ये खाद का भी मुनासिब इस्तेमाल होता जी बूटियां भी कम जमी है क्योंकि असं इन ट्रेन से साफ सुथरी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। अजले इतना ही, इजाजत दियो अपने दोस्त अबरार हैदर नूं, अल्लाह हाफिज़।